आम आदमी पार्टी यह आरोप लगाती रही कि एग्जिट पोल पर बीजेपी का कब्जा है। अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से पर्ची निकाल कर बताते रहे कि बीजेपी को 20 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने वाली। एग्जिट पोल के भविष्यवक्ता आम आदमी पार्टी को 170 से ज्यादा सीटें बता रहे थे। नतीजे आए तो सबकी हवा निकल गई। यह साबित हो गया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो करोड़ों का माल विज्ञापनों पर उड़ाया, एग्जिट पोल में बस उसे चुकाया गया। हाल तो यह रहा कि आम आदमी पार्टी के 11% वोट तक खिसक गए। विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस को करीब 8% वोट का फायदा हुआ, लेकिन बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ, जिसने न सिर्फ अपने वोट बैंक को बरकरार रखा बल्कि उसे बढ़ाया भी। इस सब के बीच कांग्रेस की कहानी बाकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि राहुल गांधी तपस्या करने निकले हैं। जिस दिन राहुल गांधी की तपस्या पूरी होगी, ठीक उसी दिन प्रियंका वाड्रा हाथ से हाथ जोड़ने निकलेंगी। भारत को जोड़कर राहुल वापस तो आएंगे ही, इसलिए अब कांग्रेस हाथ को हाथ से जोड़ने निकलेगी। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि चुनावी राजनीति से उनकी यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा भी बाद में ऐसा ही कुछ कह दें। लेकिन गांधी वाड्रा के बिना कांग्रेस के वोट तो बढ़े, लेकिन सीटें रसातल में चली गईं। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस की हालत पर सोशल मीडिया में लोग मजे लेने लगे। लोगों ने कांग्रेस, राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का जमकर मजाक उड़ाया। लोगों का कहना है कि एमसीडी चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ देखा जा सकता है। एक ट्विटर यूजर ने कांग्रेस का मीम शेयर किया। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एमसीडी चुनाव के परिणाम घोषित होने से पहले रुझानों में अपनी पार्टी की हालत देखकर एक कांग्रेस उम्मीदवार हताश है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में मॉरल विक्ट्री मिली है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि एमसीडी चुनाव में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि न जीत की चिंताएं न हार का गम, राहुल गांधी की अगुवाई में दार्शनिक हो चुकी है कांग्रेस। मतगणना शुरू होने से अंत तक दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लटका रहा। एक यूजर ने थ्री इडियट फिल्म का एक सीन शेयर करते हुए लिखा कि कांग्रेस उम्मीदवार दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम देखता हुआ इस सीन में सबसे आगे अभिनेता समरन जोशी हैं और पीछे आर माधवन। इस सीन के नीचे लिखा है, नीचे से चेक कर, नीचे से ना। एक यूजर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे का भी मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने लिख दिया था कि बीजेपी को 20 से भी कम सीटें मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।